होंडा E1 का बैक सस्पेंशन देखने वाले हम। ये देखिए बैक सस्पेंशन, जिसमें पुरानी कॉइल है, शॉक ऑफ है, ये जो पुराना बफर है, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन कैसी हो गई, और ये स्प्रिंग पैड है। तो हमारे होंडा E1 का बैक सस्पेंशन करने वाले हैं। तो नमस्ते मित्रों, मैं हूँ आपका दोस्त किशोर शेरे, औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया से। तो आज हम देखने वाले होंडा E1 का बैक सस्पेंशन कैसे चेक करें कि गया है कि नहीं गया है। क्योंकि जो भी दोस्तों आते हैं कि कमेंट आते हैं कि मेरा गाड़ी का सस्पेंशन मेरे को लगता है कि अच्छा है, आप जैसे कि ये देख सकते हैं, ये बफर है, ये स्प्रिंग के अंदर बैठने वाला बफर है जो ऐसा बैठता है, और जब भी गाड़ी पटकती है तो उस पर जाकर होती, तो ये खल्ला से ये गया। अब रहे स्प्रिंग, अब जो आप देख सकते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग की ये देखिए, ये स्प्रिंग है, और इसकी हम हाइट चेक करने वाले इसके साथ, नए स्प्रिंग के साथ उसकी हाइट चेक करने वाले। तो देखिए, ये देखिए स्प्रिंग की हाइट कम हो गई, कमज़ोर हो गई स्प्रिंग, तो स्प्रिंग भी चेंज करने वाले हो गया स्प्रिंग का। आप देखेंगे शॉकअप, कोई बोलते हैं कि शॉकअप तो अच्छा है, हमारा वर्किंग करता है, मगर क्या होता है तो आप देख सकते हैं। मैंने अभी ये पुराना शॉकअप दबा के छोड़ दिया, अब ये नया दबा के छोड़ने वाला हूँ। तो होता क्या है, तो शॉकअप हमको दोनों तरफ से भी उसने चलना चाहिए, शॉकअप ने जैसे गचके में जाने से पहले और बाहर निकलने से बाद। तो ये देखिए, अब ये देखिए कौन सा शॉकअप गया वाला है, ये गया वाला है, ये एक बार अंदर गया तो अंदर ही बैठ रहा है, ऊपर आ रहा है, आने का नाम नहीं ले रहा। तो इससे होता क्या है, गाड़ी जब भी खड्डे में जाती है, जब खींच से पटकती है, मगर बाहर भी उसके स्प्रिंग के हिसाब से आती है, तो उसको स्प्रिंग के हिसाब से आने नहीं देने का, तो शॉकअप से लाने, उसको दम से लाने को कहता है, तो ये काम करता है। तो अभी इधर का हम पूरा चेंज करने वाले, दोनों साइड का मैंने सामान लाया, आप देख सकते हैं मैंने जिन्हें ही सामान लाया, ये देख, ये स्प्रिंग का है और ये शॉकअप का है, ये बफर है, स्टॉपर है, और स्प्रिंग बफर है, तो ये सब डालने वाले। तो लगे हमारे साथ बने रहे, तो चलो फिट करते हैं इसका। जैसे कि दोस्तों हमने बफर को ग्रीस लगा के ढकल दिया है, स्प्रिंग अंदर नीचे से जैक थोड़ा ढीला करके उसको खींच के स्प्रिंग ढकल दिया। स्प्रिंग ढकलने के लिए हमको ये देखना ज़रूरी कि स्प्रिंग का निचला हिस्सा उसके गाले में बैठना चाहिए और ऊपर का हिस्सा भी उसके पैड में बैठना चाहिए, नगर अगर नहीं बैठा है तो सीधी कर दीजिए। जैसे कि ये देखिए मेरा थोड़ा सा बैठा नहीं, तो ये मैं यहाँ से सीधा कर दूँगा। अब देखो दोस्तों, हमने उसका मुंह सीधा कर दिया है, और जो ये फंसे वाला था स्प्रिंग के अंदर वो भी निकाल लिए, चारों तरफ से देख सकते हो, ये भी कर दिया, और ये मुंह, ये देखिए ये मुंह उसके गाले में आके, ये स्प्रिंग का गाला है, जब भी अभी चलेंगी तो ये गाले में जाएगा। तो आप लगाते हैं शॉकअप, शॉकअप हमने ऊपर से अटका दिया है, अभी लगाएंगे नीचे से। तो थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा मैच नहीं होता तो नीचे से हम जैक चढ़ा देंगे, जैसे हमने जैक चढ़ा के फुल मैच कर दिया शॉकअप का, अभी लगाएंगे उसका बोल्ट। ये कर देंगे टाइट, ये हो गया टाइट। तो इस साइड का सस्पेंशन हो गया, अभी इधर का वैसे डाल देंगे जैसे इधर का डाला। देखिए दोस्तों, हमारा राइट साइड का भी हो गया है, हमने चेंज कर दिया, वैसा ही लेफ्ट का हमने चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, बाकी आर्म के दूसरे ओके, उसमें कुछ तकलीफ नहीं, अभी गाड़ी पीछे से कूदेंगी नहीं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई गाड़ी के साथ।